गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम जो अपना नया टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक अपना क्या है कि लास्ट वीडियो से रिलेटेड है। और वो क्या था कि जो फिनॉल की कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं यानी कि फ्यू स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स, उसी से आगे अपन बात कर रहे हैं उसी टॉपिक पर। तो उसमें कुछ विशेष अभिक्रियाएँ जो थी, तो नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो क्या आती है, कार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि जो सोडियम फिनोक्साइड है, क्या होता है कि जो सोडियम फिनोक्साइड है उसकी क्या होती है कि 5 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वायुमंडलीय दाब पर क्या कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कराते हैं, हीट कराते हैं। तो क्या होगा कि फिनॉल की ऑर्थो पोजिशन जो है उस पर क्या होता है कि एक कार्बोक्सिलिकरण समूह का प्रवेश हो जाता है, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। ठीक है, और क्या बनता है कि कार्बोक्सिलिकरण समूह के एंटर होने से क्या होगा कि इसके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, और अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को क्या है, कोलबे स्मिट या स्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि यह रिएक्शन कोलबे कोलबे स्मिट रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। क्या होता है कि इस अभिक्रिया में, इन दिस रिएक्शन इस अभिक्रिया में सोडियम फिनोक्साइड को सॉरी सोडियम फिनोक्साइड की 5 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गरम करने पर सोडियम सैलिसेट सोलिसिलेट बनता है, जिसकी अभिक्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराने पर क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, पर अभिक्रिया बताएंगे अब यहाँ पर आप। तो सोडियम फिनोक्साइड
ये क्या हो गया, सोडियम फिनोक्साइड। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको हीट करेंगे, और किसकी प्रेजेंस रहेगी, 5 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, और टेम्परेचर क्या रहेगा, 130 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी। ठीक है, इस पर जब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम सैलिसिलेट का निर्माण होगा। OH और इसकी ऑर्थो पोजीशन और COON, क्या ये सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ कराएंगे, HCl एसिड के साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। क्या बन गया, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब अभिक्रिया की क्रियाविधि की बात करें तो मैकेनिज्म किस तरह से होगी वह भी आपको बताते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो सोडियम फिनोक्साइड है, इसमें क्या होगा कि जो फिनोल का यानी कि जो बेंजीन रिंग है, इसका बॉन्ड क्या होगा, कार्बन साइड यानी कि ये बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ से, और यहाँ कार्बन के साथ बनेगा, और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का एक ऑक्सीजन के बॉन्ड्स क्या होगा कि वो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑक्सीजन के पास जाएंगे, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे यानी कि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो एक क्या बनेगा, सोडियम सैलिसिलेट का निर्माण बता रहे हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनका एक एडिशन हो जाएगा एक तरह से, और यहाँ से सॉरी यहाँ से क्या होगा कि जो सोड ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक है, और सोडियम किसके साथ आएगा, इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा तो क्या बनेगा, यहाँ तो डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ये डबल एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाले कार्बन का एडिशन होगा यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर एन ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा आगे कि जो हाइड्रोजन के बॉन्ड है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पर, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन वापिस यहाँ पर, और क्या बन जाएगा, यहाँ पर सोडियम सैलिसिलेट का निर्माण हो जाएगा। सी डबल बॉन्ड ओ एन। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ होगी, HCl के साथ, तो बाहर क्या हो जाएगा, माइनस NaCl क्या हो जाएगा, बाहर, और क्या बन जाएगा, यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड। इस तरह से क्या होगा, इस अभिक्रिया की ये मैकेनिज्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैलेजन रिअरेंजमेंट। सेकंड जो इसकी अगली रिएक्शन आती है वो क्या आती है, कैलेजन नेक्स्ट रिएक्शन क्या आती है, कैलेजन रिअरेंजमेंट
कलेजन पुनर्विन्यास। इसमें क्या होगा कि जो कलेजन रीअरेंजमेंट है कि इसमें क्या होता है कि जो एलिल एरिल इथर होता है, एलिल एरिल इथर होता है, उसको क्या करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो क्या होगा कि इसमें रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट से क्या बनता है, एलिल फिनोल का निर्माण होता है। ठीक है, और क्या है कि ये जो रिएक्शन होती है इसमें कोई कैटलाइस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन क्या है कि इस अभिक्रिया में क्या करते हैं कि मेनली जो अपने सब्सटेंस होता है यानी कि जो एलिल एरिल ईथर है, इसकी क्या है कि प्योर मात्रा को क्या करते हैं, हीट करते हैं। और हीट करने पर क्या है कि डाईफेनिल ईथर या तो प्योर अमाउंट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, या क्या है कि जो डाईफेनिल ईथर जैसे क्या है कि जो न्यूट्रल सॉल्वेंट होते हैं इनके साथ क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो अभिक्रिया में क्या होगा कि जो एलिल समूह है, जो एलिल ग्रुप है, वो क्या होता है कि ऑर्थो पोजीशन पर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि ऑर्थो स्थिति पर आ जाता है। रीअरेंजमेंट में क्या होगा, क्योंकि बाहर से तो कुछ आना जाना है नहीं, तो इसमें क्या होगा कि भी अंदर ही क्या होगा कि जो इसके अणु हैं यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक नया यौगिक बनेगा और वो क्या बनेगा, एलिल फिनोल। ठीक है, क्या होता है कि जब एक एलिल एरिल ईथर ईथर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है तो इसके मॉलिक्यूल में, अणु में रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास के द्वारा एलिल फिनोल एलिल फिनोल बनता है। ठीक है, और क्या होता है कि इसमें जो कंडीशंस हैं कि रिएक्शन में प्योर सब्सटेंस को हीट किया जाता है या क्या करते हैं, डाईफेनिल फेनिल डाईफेनिल ईथर ईथर जैसे उदासीन न्यूट्रल उदासीन सॉल्वेंट के साथ हीट किया जाता है तो एलिल समूह एलिल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी इसमें कि एलिल एरिल ईथर
एलिल एरिलिथल क्या होगा, ओ सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये क्या हो गया एलिल एरिल इथर। इसको क्या करते हैं कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे, तो हीट करने पर इसमें रीअरेंजमेंट होगा और क्या बनेगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ तो क्या जाएगा ओ एच ग्रुप और यहाँ क्या रहेगा सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। ठीक है, अब ये जो अभिक्रिया होती है इसमें क्या है कि यदि क्या होता है कि जो फेनिल ग्रुप है उसकी दोनों पोजीशन पर क्या हो कि यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर क्या हो कि कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो क्या होता है कि जो रीअरेंजमेंट होगा वो फिर किस पर जाएगा, पैरा पोजीशन पर जाता है। क्या होता है कि यदि किसी अणु में किसी मॉलिक्यूल में किसी मॉलिक्यूल में दोनों ऑर्थो पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हो, तो सब्स्टिट्यूशन पैरा पोजीशन पर होता है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर एग्जाम्पल लें कि जो क्या है टू फाइव डाइमेथिल एरिल एलिल एरिल ईथर है। ठीक है, यानी कि इसकी ऑर्थो पोजीशन पर दोनों ऑर्थो पोजीशन पर क्या है सी एस थ्री ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये पोजीशन है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो रीअरेंजमेंट होगा वो कहाँ पर होगा, इसकी पैरा पोजीशन पर होगा। ठीक है ना, यहाँ ओ एच सी एच थ्री ऑलरेडी है यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर, और यहाँ क्या जाएगा सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, इसकी इस स्थिति का यानी कि पैरा पोजीशन के डेरिवेटिव्स बनेंगे। ठीक है, तो अब जो बात आती है कि इस अभिक्रिया में भाई कौन सा कार्बन परमाणु क्या है, कि कौन सा कार्बन एटम क्या होता है कि फेनिल ग्रुप से जुड़ता है, यानी कि यहाँ पर दो कार्बन है, सॉरी यहाँ पे सी एच टू जुड़ता। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि सी एच टू ग्रुप ये जुड़ता है या ये जुड़ता है। अब अपन बात क्या करेंगे, यानी कि टू नंबर कार्बन जुड़ता है या इसका अदर कार्बन जुड़ता है, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर जो बंध बनाने वाला कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, इस बात पर अपन डिस्कस करेंगे। तो वो अपने किस पर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।